सामने एवरीवन, क्या है सब लोगों का यार। आज जो है मेरा कोरिया की यूनिवर्सिटी है, योनसे यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द टॉप थ्री यूनिवर्सिटीज़ है कोरिया के अंदर, उसमें मेरा पहला दिन है। और मजे की बात है, पहला दिन और मैं ऑलरेडी लेट हूँ। अच्छा, तो आई डोंट नो कि कैसा इंप्रेशन पड़ता है। यूनिवर्सिटी जाते हैं और आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताता हूँ कि यार कोरिया के अंदर अभी नया सेमेस्टर शुरू हुआ है जो है। मैं आपको यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताता हूँ कि इनके कैंपसेस कैसे होते हैं, नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे क्या माहौल होता है, स्टूडेंट किस तरह के होते हैं। स्पेशली मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। नर्वस इसलिए क्योंकि मेरा पहला दिन है और मैं सारे लोग नए हैं मेरे लिए, कोई मुझे एक्चुअली यूनिवर्सिटी का भी नहीं पता, यूनिवर्सिटी भी मेरे लिए नहीं है और किसी को भी मैं नहीं जानता। तो खैर, आई होप कि आज का जो पहला दिन है वो अच्छा गुजरेगा। चलें पहले रोड क्रॉस करते हैं और आप लोगों को इर्द गिर्द की जो है ना वो भी दिखाता हूँ मैं। सर रोड क्रॉस करते हैं और हम लोग, ये वैसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पीछे सारी ये यूनिवर्सिटी का ही एरिया है और ये तकरीबन 250 एकड़ के करीब यूनिवर्सिटी फैली हुई है। साथ में एक इनका यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल भी है और यहाँ पर कुछ कैफेज़ वगैरह जो हैं ये भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। सर कोरिया के अंदर कहते होते हैं स्काई एक टर्म यूज़ होती है फॉर द टॉप थ्री मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़। एस से बनता है सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, के से बनता है कोरिया यूनिवर्सिटी और वाई से बनता है योनसे यूनिवर्सिटी। सो मैं भी जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने अभी स्टडी करनी है, उसका नाम है योनसे यूनिवर्सिटी, जो कि अगेन तीसरे नंबर पर आती है कोरिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से। तो हम लोग अभी यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए। ये वाला जो हॉल है ये, इसके अंदर ऑडिटोरियम्स हैं और बिल्कुल नया हॉल बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है। आई विश कि हमारी क्लासेस यहाँ पे होती हैं, लेकिन खैर ये वाला जो हॉल है ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमारी क्लासेस हो रही हैं वो यहाँ पे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज रिसर्च एंड एजुकेशन, योनसे यूनिवर्सिटी। तो यार अभी हम लोगों ने जो है यहाँ पे आके बुक्स बाय की हैं, तो 6 बुक्स हैं और अच्छी खासी हैं, लेकिन ये 5-6 किलो की तो बुक्स हैं। तो यार बुक्स की प्राइस है 92,000, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं जी 20,000 की। आज आज मैंने बुक्स खरीदी हैं, बहुत महंगी हैं भाई, बहुत ज़्यादा महंगी हैं। गानियांग सी, व्हाट्स दैट द अदर वन आई वांटेड टू सी, आई डोंट नो, इट्स काइंड व्हाट इट इज, दिस इज डोरेमोन, राइट? यू नो डोरेमोन, मियाने, इट्स नॉट डोरेमोन। सर पहले दिन कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो सब लोगों के लिए गिफ्ट्स लेके आई हैं और इन्होंने ये चॉकलेट्स और कुछ जेलीज वगैरह दी हैं सब लोगों को। सर ये मेरी क्लास है एंड मीट माय वेरी गुड फ्रेंड, वेरी हैंडसम फ्रेंड टोनी फ्रॉम स्टेट्स। टोनी कैन यू से हाय टू एवरीवन? हेलो। सो टोनी, यू वर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी फूड, सो हैव यू ट्राइड पाकिस्तानी फूड और इंडियन फूड, लेट्स से? आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ इंडियन फूड, आई रियली लाइक इट एक्चुअली। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट इंडियन फूड? आई रियली लाइक बिरयानी। बिरयानी, ओह, इज इट स्पाइसी फॉर यू? नॉट टू बैड। कैन यू से समथिंग इन कोरियन लैंग्वेज? मे बी माय ऑडियंस इज वांटिंग टू नो समथिंग। You speaking in Korean? Jagis hoge maybe. 안녕하세요. 저는 토니라고 해요. 저는 그리스계 미국 사람이에요. 저는 대학생이에요. 전공은 음악하고 컴퓨터과학이에요. 만나서 반가워요. Oh, 역시. Thank you so much, Tony. Thanks a lot. So guys, I'll be having my classes with Tony and with some other students here. So this is our classroom. And just thank you so much, Tony. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Annyeong. So guys, ye hai hum log ki class jahan pe meri is pure semester mein yahan pe class hogi. तकरीबन 10 लोगों की क्लास है, फॉरेनर्स हैं सारे ही, और आज कुछ मैं मिला हूँ जो वो अमेरिकन हैं, जापनीज और चाइनीज़ हैं, और आपका भाई पाकिस्तानी है। खैर ये यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे बैठा होता है और आज मज़े की बात है सिर्फ 4 लोग ही आए थे। तो यार पहला दिन आप लोगों का ख़त्म हो गया है, हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं और मज़े की बात है हमारी जो भी यहाँ पर क्लासेज हो रही थी, आई वॉज़ द वन एल्डेस्ट वन, सब लोग मेरे से छोटे थे, कुछ लोग तकरीबन 21-22 साल के थे, कुछ एक दो लड़कियाँ थी वो 23 की थी, एक लड़का था 29 साल का, एक और लड़की थी 29 साल की, और आपका भाई सबसे एजड था, लेकिन खैर दिखने में आपका भाई ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा होता। एनीवेज काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी बिकॉज आई स्टार्टेड लर्निंग कोरियन लैंग्वेज आफ्टर 7 ईयर्स, मैं 7 साल बाद दोबारा कोरियन लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो मुझे मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही थी, और स्पेशली ये एडवांस लेवल की कोरियन है तो काफ़ी यू नो हज़म करते वक्त प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत मुश्किल वो कैबलरी एंड ग्रामर थी, बट स्टिल इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और लाजमी यहाँ पे हमने पोजीशन लेनी है, फर्स्ट पोजीशन लेके ये जो है सेमेस्टर ये ख़त्म करना है हमने। खैर अभी बाहर चलते हैं, आप लोगों की और भी क्लासेस, यूनिवर्सिटीज का हाल दिखाता हूँ, यूनिवर्सिटी कैसी है, किस टाइप के फ्लोर हैं, किस टाइप की क्लासेज होती हैं और यहाँ पर और क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, तो चलो बाहर चलते हैं।
जो अभी जो है छुट्टी का टाइम हो गया है, तो हर कोई बंदा यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहा है और अपने सबवे या ट्रेन लेके अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ये पीछे यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है और यहाँ पे और भी बिल्डिंग है, ये एक और कॉन्टिनेंटल हॉल है और यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं अभी अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज अभी जो है छुट्टी का टाइम हो गया है। तो पीछे इनका मेन गेट है, तो अभी मेन गेट की तरफ जा रहे होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाके बस या जो है सब वगैरह लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा सीन होता है, सनसेट जो है वो भी काफ़ी प्यारा यहाँ पे नज़र आता है। खैर आप लोगों को मैं अभी टूर करवाता हूँ यूनिवर्सिटी की, कुछ लाइब्रेरी का एक टूर करवाता हूँ, क्योंकि अभी नया सेमेस्टर से वो शुरू हुआ है तो बहुत क्राउडेड होती है लाइब्रेरी, और उसके अलावा कुछ एक दो और बिल्डिंग्स भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है इनका एक इंजीनियरिंग हॉल और यहाँ पे इट्स लाइक अ इंस्टाग्रामेबल प्लेस। तो यार जो योनसे यूनिवर्सिटी है उसका मैस्कोट जो है वो है ईगल, और आप लोगों को ईगल यहाँ पे इनके लोगों में भी नज़र आता है और काफ़ी जगह पे ईगल नज़र देखने को मिलेगा आपको। वैसे यार आप लोगों को सच में बताऊँ तो मैं तकरीबन छः साल बाद जाके मैं लाइब्रेरी की शक्ल देखूंगा। मैं वाकई भूल गया हूँ कि क्या किस तरह की होती है लाइब्रेरीज़, और अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो काफ़ी लोग लाइब्रेरी जाके बुक्स वगैरह रेंट वगैरह कर रहे होते हैं। तो खैर हम लोग भी लाइब्रेरी चलते हैं, लाइब्रेरी जाके देखते हैं कि यहाँ पे रश है या नहीं है। खैर दिस इज़ द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जाने से पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़े से इनके ये दिखाता हूँ। तो खैर मुझे तो ये पता नहीं चिकन है या जो भी है, आप लोग खैर मुझे बताइएगा। ये है जी योनसे यूनिवर्सिटी। तो यार मैंने देखा है, मैंने इनसे दोस्तों से कुछ लड़कियों से पूछा है, एंड देवर सेइंग कि ये भी ईगल्स ही हैं, तो ये ईगल के बेबीज़ हैं शायद, क्योंकि अभी अभी नए स्टूडेंट्स आए हैं इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे ईगल छोटे छोटे बच्चे ईगल के बनाए हुए हैं। खैर हम चलते हैं अंदर जा कर देखते हैं, इसकी सैर वगैरह करते हैं। तो अभी देखते हैं शायद कार्ड चलता है या नहीं। ओह चल गया है, योनसे यूनिवर्सिटी का कार्ड है। ये जनाब आ गई है जी लाइब्रेरी। यहाँ पे आप लोगों को चीज़ खाता हूँ, यहाँ पे एक स्मार्ट लैंडिंग मशीन यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। खैर आप पहले से बता सकते हैं मैंने कौन सी बुक लेनी है और अपना ऑनलाइन जो रिज़र्व करवा सकते हैं, वो आपको यहाँ पे बता देंगे किस कॉर्नर में किस खाने में आपकी बुक पड़ी है, और आप यहाँ पे आके वापस रिटर्न भी कर सकते हो। तो ये जो पौधे हैं ये फूल हैं, ये रियल के अंदर हैं, ये फेक नहीं लगाए हुए। और लाइब्रेरी के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कि काफ़ी उन्होंने एक छोटा सा मिनी एक गार्डन टाइप यहाँ पे बनाया हुआ है। खैर हम लोग चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाके आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। और ये वो जगह है जहाँ से आप लाइब्रेरीज़ की बुक्स हैं सीडीज़ हैं वो यहाँ पे रेंटल वगैरह कर सकते हो। खैर इसके ऊपर भी भरी हुई है लाइब्रेरी बुक्स के साथ। खैर हम लोग वहाँ पे तो नहीं जाते, दोबारा नीचे चलते हैं। यार सेमेस्टर अभी भी स्टार्ट हुआ है तो सारे लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहे हैं, और मैं ज़्यादा ऊँचा बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि लाइब्रेरी है यहाँ पर इसलिए। खैर यहाँ पर भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, और ये स्पेशली रूम्स हैं और जगह हैं वो कंप्यूटर वाली, और आप लोग पास कंप्यूटर है या लैपटॉप यूज़ करना चाह रहे हो। तो यार स्टूडेंट्स नए नए यहाँ पे आए हैं तो अपने ग्रुप फोटोज़ वगैरह वो भी यहाँ पे ले रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे लाइफ है, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है। अभी तो खैर एवरीथिंग इज़ क्लोज, अभी तो बंद हो गया सब कुछ, लेकिन अगर आप आते हो दोपहर के टाइम आते हो 1-2 बजे आते हो तो बहुत हल्ला गुल्ला बहुत रौनक होती है यहाँ पे, और बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी, अच्छा लगता है यहाँ पे आके, दिल जो है वो खुश हो जाता है। और एक और चीज़ कोरिया के अंदर अच्छी लगती है वो ये कि यार आप लोग पेपर है जो नॉर्मल वेस्ट है या प्लास्टिक है, इन सबको रिसाइकलेबल स्टफ जो है ना सबको सेपरेट थ्रो करके फेंक रहे होते हो। यार यहाँ पे सारे लोग ये वाले इंटरसेक्शन की मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे सब लोग क्लास ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, रुक जाते हैं, और बल्कि आप लोग ये देखो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि इन्होंने जो रोड के ऊपर भी लाइट्स लगाई हुई हैं ताकि लोग जो फ़ोन के अंदर बिजी होते हैं उनको पता रहे कि कब ग्रीन हो गई है लाइट, कब हम लोगों ने रोड क्रॉस करनी है या नहीं।
खैर यहाँ पे काफ़ी रश है, लाइट्स भी ऑन हो गई हैं और अभी बहुत ही प्यारा सीन होगा जब ये ग्रीन लाइट होती हैं तो हर कोई बंदा यहाँ से रोड जो है ना वो क्रॉस करेगा, तो इट सीम्स इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक, वेरी ब्यूटीफुल वाइब्स। आप लोग देखिएगा कि बहुत ही मज़ा आ रहा है काफ़ी रश होता है, स्टूडेंट्स आ जा रहे होते हैं तो बहुत ही इंटरसेक्शन ये बहुत ही प्यारी लग रही होती है। खैर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी बताइएगा। अभी जो है घर जा रहा है आपका भाई और घर जाके कुकिंग वगैरह करके खाना वगैरह खाएंगे जॉनसन यूनिवर्सिटी में। आई होप कि आप लोगों को एडमिशन मिले इफ़ यू गाइस वांट टू कम टू कोरिया, क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है और सब लोगों का ड्रीम होता है इन टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में आना। खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी बताइएगा और कोई भी क्वेश्चन हो हाउ टू अप्लाई और जो है कोई भी यूनिवर्सिटी की लाइफ के बारे में कितनी फ़ीस होती है सब के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो चाहिए हो आपको तो मुझे लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको रिप्लाई करूँ। तो खैर दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।